सूरी इलाके में कल रात तेज रफ्तार कार गंग नहर में गिर गई। हादसे के बाद एक लड़के को बचा लिया गया जबकि तीन लोग अब भी लापता हैं। एनडीआरएफ की टीम नहर में डूबे लोगों की तलाश में जुटी है। तो वहीं पुलिस के मुताबिक चारों दोस्त कल रात गाजियाबाद होते हुए चंडीगढ़ जा रहे थे। मसूरी पहुंचते ही रात 12 बजे के आसपास अचानक उनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और वो नहर में गिर गई। मौके पर गाड़ी गिरते देख पुलिस ने लोगों को साथ मिलकर एक युवक को बचा लिया, लेकिन उनके तीन साथी तेज बहाव में बह गए। रात को यहाँ पर जो रोड है यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इधर, क्योंकि राइट जो रोड सीधी आ रही है स्ट्रेट वो नाले के अंदर जाती है। राइट टर्न दिखा रखा है लेकिन कहीं पर डाइवर्जन भी नहीं दिख रहा है, कोई ब्लॉकेज नहीं है, कोई ब्लॉकेट नहीं है, कोई अलर्ट नहीं है, कोई अलर्ट कि आपको राइट टर्न करना है सीधे नहीं जाना है, तो किसी से भी एक्सीडेंट हो सकता है ये रात में। और आपको बता दें तेज रफ्तार गाड़ी की वजह से ये गंग नहर में गिरी। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और जिसमें एक शख्स को बचा लिया गया। हाँ कि अभी चार दोस्त थे जिनमें से तीन की तलाश अभी भी जारी है। गाजियाबाद होते हुए चंडीगढ़ जा रहे थे तभी मसूरी पहुंचते ही रात 12 बजे के आसपास अचानक गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और वो गाड़ी गिर गई गंग नहर में, जिसके बाद पुलिस ने लोगों की मदद से एक युवक को बचा लिया जबकि तीन की तलाश जारी है।